What's this fucking crap? के हिसाब से बिजनेस करता हूं। मुझे इंडियंस चाहिए। गेट मी सम ब्राउन स्किन। से भागने के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। Nobody runs from me. अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगा ना बापू। अरे मैं आ रहा हूँ लिमोजिन की कसम। ओहो ये साहिल को अकल कब आएगी। अरे बापू अगर तू ऐसे ही तोड़फोड़ करेगा ना तो हमें लैंडलॉर्ड को रेंट के साथ है ना पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। और तुझे तो पता है कि हमारे बैंक अकाउंट में मुश्किल से 200-300 पाउंड पड़े होंगे। अरे अब बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ है बताना पड़ेगा। तू जानता नहीं क्या? हर उस आदमी से बात कर ली जिसे जानता हूं, लेकिन एक साला ऐसा नहीं है जो वक्त पे काम आ सके। न समीर न जिम, पता नहीं क्या करूं यार। इतना मजबूर तो मैं तब भी नहीं था जब डैड गुजर गए थे। तब तो माँ थी मेरी देखभाल के लिए। अब जब उन्हें मेरी जरूरत है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ए, 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 बापू अरे ऐसे कोई हिम्मत हारता है क्या? देखा मायूस नहीं होने का। अरे देख
मैंने ना लॉज के मैनेजर से बात कर ली है, तू जाके मिलना उसे। कुछ होगा? अरे वही ट्राई करने में क्या जाता है, वो कहते ना कि हिम्मत का मर्दा तो मदद का खुदा, तू जा ना, तू जाके मिल उसे, जा। अरे जाना बाबा, चल जा जा। ठीक है, थैंक्स। ओके, ए साहिल साहिल, वो इंडियन फैमिली आज पहुंचने वाली है। अरे हाँ यार, तू संभाल ले, मैंने एडजस्टमेंट करवा लिया। ओके ठीक है बाबू। हे भगवान, ये बापू का काम कर देना है, लिमोजिन की कसम 5 पाउंड का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्लीज। हाँ इस तरफ देखते हैं। आखिर आप हम सबको लंदन ले ही आए। Anything for you, my princess. अरे वो कहाँ है जी? आपका टूर मैनेजर? उसने पिकअप तो ऑर्गेनाइज किया होगा ना? वरना इन गोरों की भीड़ में कहीं गुम हो गए तो? अरे तुम कोई दूर की बच्ची हो जो गुम हो जाओगी? बाहर चलो, कोई ना कोई आया होगा। वैसे भी आंटी, अंकल के प्लानिंग में कभी कोई गड़बड़ हुई है? कहाँ रह गई थी तुम दोनों, कितनी देर लगा दी? कम बता। यहाँ तो कोई नहीं था जी। ठीक ठीक। बस नहीं रुकते क्या? लगता है कोई नहीं आया। Mom, अब क्या करेंगे जी? वापस जाना पड़ेगा जी। Very funny. लो जी। काम कहाँ परेशान होती रहती हो। अरे कोई ना कोई आ जाएगा, डोंट वरी। Where is he? देखो आ गया, देखा? ऑलमोस्ट उड़ते हुए आ रहा है। मिस्टर मेहरा, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू लंदन एवरीवन। नमस्ते भाभी जी। अरे मरवाओगे क्या? ये नहीं वो है। ये है? वेरी गुड वेरी गुड। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, सॉरी हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वेलकम टू लंदन है, लेकिन आप लोगों को लंदन पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? फ्लाइट में बैठने को जगह मिल गई थी ना? चले हाँ हाँ चले, आइए 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 आप। हाँ भाभी जी वेलकम। वाओ कम ना विद्या। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? मिस्टर पटेल, मिस्टर हिसेन पटेल, माने बड़ौदा से बर्मिंगहैम तक। मिस्टर मेहरा, आप पहली बार आए हैं ऐसे बाहर गाँव? जी हाँ। फिर तो एकदम सुपर पे हैं। क्या है ना कि हमारा वंडरलैंड है ना, आपके टूर का ऐसा अरेंजमेंट करेगा, ऐसा अरेंजमेंट करेगा ना कि आपको घर जाने का मन ही नहीं करेगा। आई होप सो। अरे आप देखिए तो सही मिस्टर मेहरा, क्या है ना, लिमोजिन की कसम। हाँ अरे बाबा, आप तो इंडिया से आए हैं कि नहीं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको बेस्ट में बेस्ट पैकेज देने का। हा? हाँ जी। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को है ना हॉलीडे की एकदम सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? अरे क्योंकि इंडिया में जिंदा रहना ही फुल टाइम जॉब है ना। अब आप प्लीज हमारा भेजा खाना बंद करेंगे? आपका भेजा खाना बंद करूं? ठीक है, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरा बता गया ना? ए वो ना, वो आ गया हमारा होटल। यही है क्या? यस दे। गिव इट टू मी। 200 pounds. Thank you. मैम आप खुद नीचे क्यों आ गई? ऊपर इंटरकॉम है ना, रिनोवेशन हो रहा है। और ये जो साफ साफ लिखा गया है कि 300 होटल में चेक इन करवाया जाएगा, ये 300 होटल है? ये 300 नहीं है, मेरे स्टार खराब है। क्या है ना कि हमारे डेट्स के एडजस्टमेंट के हिसाब। Don't give me shit, Mr. Patel. I told you to shut up. मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि किस चीज की एडजस्टमेंट हो रही है। Are you the main organizer here? नहीं मैं नहीं हूँ, साहिल खन्ना है। तो फिर मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। I want to speak to you. हाँ करो। अभी उसको फोन लगाओ। फिर मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी ना। Bloody well made it. Do you understand? I understand. दुर्गा माता, एक मिनट मैं फोन लगाओ। सर आई एम नॉट रनिंग अवे, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपका सारा अमाउंट 3 साल में क्लियर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। बट द प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। किसी भी रेंटेड प्रॉपर्टी पे लोन मिलना इम्पॉसिबल है मिस्टर खन्ना। मैं आपसे मिला क्योंकि पटेल जिद कर रहा था, बट फ्रेंकली
दिस लोन इज नॉट वर्केबल एट ऑल। मिस्टर वालिया, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मिस्टर खन्ना, आई जस्ट टेक, प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। ओके मिस्टर वालिया, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। हनीमून क्रूजेस के लिए लोन बांटो, गाड़ी बंगले दिलाओ लोगों को, लेकिन किसी मरती औरत की जिंदगी मत बचाओ। हाँ पटेल, क्या है? हेलो बापू। अरे यहाँ सब गड़बड़ हो गई है, लिमोजिन की कसम। अरे बाबा, इन लोगों को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते हम। हाँ, अरे बाबा, वो अंकल की बेटी है ना, वो दुर्गा माता, वो हमें जेल भिजवाएगी भाई। तो तू आ रहा है ना? आ रहा हूँ वहाँ पर, आ रहा हूँ मैं, जरा जल्दी आना। हेलो। अरे सुना बाबा, किधर गया ये? मिस्टर पटेल, कोई ऑर्गेनाइजर है भी या सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? Where is he? अरे आ जाएगा ना, मैंने अभी, किधर है वो? अभी फोन लगाया ना दुर्गा माता, वो आता ही होगा साहिल। किधर है? अरे लिमोजिन की कसम, आ गया साहिल, वंडरलैंड टूर्स का करता धरता, आ जा। आए कौन आ गया तू? आने दो से। साहिल खन्ना, ये क्या हो रहा है? मिस्टर खन्ना, ब्रोशर में कुछ और लिखा है और ये पटेल हमें यहाँ ले आए? आपको क्या लगता है कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते तो आप कुछ भी कर सकते हैं? I will take both of you to the cop station. Do you understand? चाहिए ना पुलिस स्टेशन, उससे क्या होगा? अभी आप कम से कम यहाँ तो हो, हमें जेल भेज देंगी तो पुलिस आपको एयरपोर्ट छोड़ाएगी। I'm sorry. देखिए इस वक्त मेरे दिमाग की बैंड बजी हुई है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं जानता हूँ कि गलती हमारी है, लेकिन पटेल आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए थे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी, पैसे बचाना चाहते थे हम। आई एम सॉरी, अभी आप खड़े खड़े यहाँ पे अपना वेकेशन तो नहीं मना सकती ना? चाहिए, गेट योर फैमिली, मैं वादा करता हूँ कि आपको अपना पूरा पैकेज मिलेगा, एंड आई शोर यू आर सर्विस 24/7 मैम, लिमोजिन की कसम। ऑलराइट नेहा, नेहा क्या समझा रहा है ये तुम्हें? देखो मिस्टर, पापा मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद, ये साहिल खन्ना है, ये हमारा पूरा पैकेज दे रहे हैं। चले चले। अच्छा है, लीजिए सर। एडवांस अगेन वी आर वेरी वेरी सॉरी, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड साहिल, इट्स ओके। नो इट्स नॉट, अब हमारे हॉलिडे को यादगार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो जस्ट कॉल मी, आई एम अवेलेबल 24/7। श्योर, एंजॉय स्टे। कम कम विद्या, चलो चलो बच्चों आ जाओ। Can I have this please? Yeah, I've got some lovely daffodils, mate. How much is that? Yeah, there are 5. There you go. Yes, I need the blood results, please, for Mr. Smith. Yes. The A negatives, B negatives, possible Cs, alpha betas. Yeah, that's the kind of thing we need. कैसी है? साहिल, तुम्हारी माँ का लंग्स ट्रांसप्लांट करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
और नेशनल हेल्थ सर्विसेज के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गन मिलने में 3 महीने से भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अरेंजमेंट किया है, लेकिन खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 40,000 पाउंड। जितना जल्दी तुम इन पैसों का इंतज़ाम कर लोगे उतना ही तुम्हारी माँ के लिए बेटर रहेगा। ठीक है डॉक्टर, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो हेलो साहिल, साहिल आप जल्द से जल्द यहाँ जाइए प्लीज, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा मेहरा। नेहा क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? नहीं, मैं होटल के रिसेप्शन से बोल रही हूँ साहिल, हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। व्हाट? जैसे ही हमारी कोई बुकिंग ही नहीं है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, मैनेजर को फोन दो। वो फोन पे नहीं आ रहा है, आप प्लीज यहाँ आ जाइए ना प्लीज। रिलैक्स, आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं आ रहा हूँ, रिलैक्स ओके। शिट, वेयर स्टीव? सॉरी सर, स्टीव जस्ट लेफ्ट फॉर ड्यूटी। जब वो यहाँ आएगा ना उसका चेहरा देखने लायक होगा। Time to see his face. It'll be fun, Neha. ये कैसा मजाक है? सुबह के 4 बज रहे हैं, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे टीवी देखने बुलाया। ठीक है, चल पे साहिल जी, इतना तो हम तब भी गुस्सा नहीं हुए थे जब आपने हमें स्काईवेज में चेक इन करवा दिया था। और आप ही ने तो कहा था कि we'll make sure you have a service 24/7, तो हमने सोचा कि चेक कर लें, if you really mean it. Even Stevens, Mr. Sahil Khanna. जॉर्ज कहाँ है तू यार, सुबह से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूँ मैं। आई नीड द मनी मैन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज कुछ कर यार, प्लीज हेल्प मी आउट मैन, यू आर माय ओनली होप जॉर्ज। क्या बात कर रहा है? ओके ओके ठीक है, मैं कल आके पैसे लेता हूँ तुझसे। थैंक्स अ लॉट मैन, थैंक यू। भाई लंदन में पंजाबी खाना, मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ जी, yes. इनका खाना कहाँ से शुरू करना है पता ही नहीं चलता।
अरे धीरे। Oh my bag। पूछना। Thank you साहिल। Thank you very much। You're welcome। आपके bags। हाँ जी। अंकल, मैं ये सोच रही थी, I mean हम ये सोच रहे थे कि अगर लंदन में क्लबिंग को जाने को मिले, you know the night life is supposed to be so great in London। Please अंकल, please। Of course, क्यों नहीं? बच्चे हैं, जाने दो उन्हें। बशर्ते साहिल आप लोगों के साथ आए तो, यहाँ के लोगों को रास्ते को जानता है वो। That's not a problem, Dad। साहिल तो साथ होंगे। 24/7 after all। Okay, all right। Thank you। Just 10 minutes. Thanks. We'll get ready and be back, okay? Okay. Yes, jaldi. All right, bye. Bye. और तू बच्चे ही क्यों? हम भी जा सकते हैं।
Thank you. It was pleasure all the way. Thank you. No. No thanks to me. Thanks to you. Okay. Chale Vidya. Yo. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Thank you. Thanks. Sahil. Thank you. Good night. Hey Sahil, तू यहाँ क्या कर रहा है? We need to talk. Sahil, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि मेरे सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं. अब तुम पैसों का बंदोबस्त कब तक कर सकते हो? The operation is now overdue. उनकी हालत बिगड़ती जा रही है. डॉक्टर, पैसों का बंदोबस्त हो गया है. कल शाम तक पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है. या इज जॉर्ज देयर? ही इज अपस्टेयर्स. थैंक्स. हे साहिल, हाउ आर यू? हाय जॉर्ज. आई एम गुड. यार पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, पर क्या है कि अमाउंट ज्यादा तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा ना. सोच ले यार, कोई जल्दी नहीं है. टेक योर ओन टाइम. मैं जल्दी में हूँ जॉर्ज, बहुत जल्दी में हूँ. अब आई एम ओके विद द इंटरेस्ट. ठीक है, वी विल कॉल इट अ डील देन. कल 4 बजे आके पैसे ले जाना. अरे अब तो हंस दे यार, यू हैव गॉट योर मनी. थैंक्स यार, थैंक्स. इट्स कूल यार. ये लीजिए टिकट. ट्रेन 10 मिनट पे निकलने वाली है. इट्स ओके, आई टेक द बैग्स. थैंक यू वेरी मच. सेफ जर्नी. चलो जल्दी चलो. चलो चलो भाई, जल्दी करो. विद्या, आई जस्ट कम इन 2 मिनट्स. ओके ओके, कम सून. कितने घंटे की जर्नी है? लंदन से स्कॉटलैंड तकरीबन 6-7 घंटे की जर्नी है, पर फिकर मत करो, हम पहुंच जाएंगे. I'll help you. ये नेहा कहाँ चली गई? अंकल वो बुक स्टोर गई है, अभी आ जाएगी. मैं जाके देखता हूँ. मैं लेके आता हूँ. आगे ना, आगे ना. लाओ ये लड़की भी ना. थैंक यू डियर. थैंक यू. डू यू हैव अ पेन? आई कुड बोरो प्लीज. ये वक्त है बुक स्टोर में जाने का. कहाँ रह गई होगी? दरवाजा खोलिए. ये दरवाजा नहीं खुला. कोशिश तो कीजिए. नेहा क्या कर रही हो? ट्रेन छूट जाएगी. कमान कमान. एक मिनट छोड़ो. से नेहा बेटा. अजी फोन. नेहा बेटा. नेहा तू नीचे. शिट, अब यहीं पे बैठना प्लेटफॉर्म पे. अगली ट्रेन कल शाम को निकलती है स्कॉटलैंड के लिए. Can't believe this man. It's just chill. It's okay. Just. तुम्हारे डैड, बात करो. हेलो हेलो नेहा बेटा, कहाँ रहेगी तुम? तुम्हें तो पता था ना ट्रेन छूटने वाली है. बच्चों जैसी हरकतें करती हो तुम. अब तुम वहीं खड़ी रहो, हम लोग वापस आते हैं. शांत हो जाओ तुम. नो नो, आप वापस मत आइए. तुमने सुना मैंने क्या कहा? अगले स्टेशन 4 घंटे बाद आएगा. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बेटा. तुम कहीं नहीं जाओगी, वहीं खड़ी रहोगी. हम वापस आते हैं वहाँ पर. नो डैड, स्कॉटलैंड में बुकिंग हो चुकी है. आप आ जाएंगे तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे. ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, फिक्र ये है कि तुम अकेली. डैड लिसन टू मी, इट्स ओके. साहिल है ना मेरे साथ, वो मुझे स्कॉटलैंड तक पहुँचा देगा. साहिल? यस डैड. रुको, मुझे बात करने दो. साहिल को फोन दो पहले. हेलो
जी सर। देखो बेटा साहिल, हम क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेहा वहीं रह गई, तुम्हें तो पता है, हम क्या करें तुम ही समझाओ बेटा हमें। अब तो हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है, प्लीज हेल्प अस आउट इफ यू कैन प्लीज। ठीक है सर, मैं इसे पहुंचा दूंगा, आप फिकर मत कीजिए। थैंक्स साहिल, थैंक यू वेरी मच। फौरन निकले साहिल के साथ, सी यू इन स्कॉटलैंड। ठीक है, ओके सर। आर यू मैड? तुम पागल हो गई हो? मुझसे बिना पूछे तुमने अपने डैड को कह दिया कि मैं तुम्हें स्कॉटलैंड लेके जाऊंगा? मेरे यहाँ पे 10,000 काम है, यहाँ मैं तुम्हें स्कॉटलैंड नहीं लेके जा सकता हूँ। एम एम इधर ऑफ टाइम हो गया, क्या करूं यार, एक तो पटेल भी नहीं है। किसने बोला था अंदर जाने के लिए? क्या था अंदर? तुम्हें मालूम था ट्रेन निकलने वाली है, क्यों कह दिया अंदर? किसके लिए कह दिया तुम अंदर? बोल बाबू। पटेल तो एयरपोर्ट पहुंच गया। हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार एक प्रॉब्लम हो गई है, नेहा की ट्रेन मिस हो गई है। हाँ तो? मुझे उसे छोड़ने स्कॉटलैंड जाना होगा। अरे लेकिन तू कैसे जा सकता है यार? आमिन पटेल, मुझे जाना होगा। है? और मेरी बात सुन। हाँ बोल। जॉर्ज से पैसे लेकर तू हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर देना, ओके? मैं कल शाम तक स्कॉटलैंड से वापस आ जाऊंगा। अरे तू क्यों फिकर करता है यार, मैं है ना इधर, मैं सब संभाल लेगा। ठीक है बाबू? ठीक है, माँ का ख्याल रखना। ओके ओके बाय। अच्छा है, एक बात पूछूं साहिल? मैं नहीं कहूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? नहीं पूछूंगी। पूछो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। कभी कोई थी? हाँ थी, कॉलेज में। फिर क्या? Didn't work out. फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो अब? अब क्या? समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते। भूख नहीं लगी? नहीं। अरे मुझे लगी है, मुझे वहां से सैंडविच खाना है। वहां से? वहां। नेहा इस तरह हाईवे पे खाना अच्छा नहीं होता, इट्स अनहाइजीनिक। आगे एक फूड मॉल है, वहां से खरीद लेंगे। ओके? क्या कर रही हो नेहा, कहां जा रही हो? चौपाटी का नाम सुना है? वहाँ मैंने ठेले पे पानी पूरी खाई है, और अगर वहाँ मुझे कुछ नहीं होता तो ये सैंडविच क्या बिगाड़ लेगा? तुम पाकर क्या, मैं आती हूँ। हाय, कैन आई हैव अ सैंडविच एंड अ कोक प्लीज? ओके। Thank you. Have a nice day.
मुझे हॉस्पिटल जाने का शौक नहीं है। वो तो दिख रहा है। तुम यहाँ कब से हो? बारह साल का था तब से हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैं दिल्ली में था। इंडिया की याद नहीं आती? आती है। क्यों तुम्हें आ रही है? आ रही है। याद आ रही है? आ रही है। आ रही है? आ रही है। क्या आ रही है? Yeah. Yeah, that's where I am right now. Sorry, sir. There's no hospital nearby. You sure there's nothing nearby? No, sir. Certainly not. I'm sorry, sir. The nearest is 2 hours drive. Okay, thanks. Thank you. क्या कर रहे हो? चौपाटी ढूंढ रहा हूँ। यहाँ दूर तक कोई क्लिनिक नहीं है। ये धुन मैंने तब कंपोज किया था जब पहली बार मिशेल को देखा था। आज हमारी शादी को 20 साल हो गए लेकिन अभी भी मेरी नजर में मिशेल वही दिखाई देती है और इसीलिए मैं इससे बोर हो गया। डार्लिंग, शायद तुम ये भूल गई हो कि इन सब को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। प्लीज एंजॉय यस सर। यस, वी सॉरी टू बॉदर यू लाइक दिस बट वी वांट अवे टू स्कॉटलैंड एंड आप इंडियन हो? जी हाँ, एक्चुअली इसकी तबीयत खराब हो गई थी और रास्ते में कोई क्लिनिक भी नहीं था तो ये भी कोई क्लिनिक नहीं है और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है। Joking. Come on in. Thank you. हाँ, please. अंदर आ। Come. And don't mind him. तुम्हारा नाम क्या है? नहीं। और मैं रॉनी, that's my mom. Hi. I'm sorry, हम आपको इस तरह तकलीफ दे रहे हैं। Actually, इसकी तबीयत खराब हो गई। अरे छोड़ो यार, हमारी शादी की सालगिरह है। Just few friends over. By the way. ये यहाँ पे टूर पे आई है इंडिया से और मेरी यहाँ लंदन में एक ट्रैवल एजेंसी है। जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। ओके ओके। तुम्हारे डैड। हाय पापा। बेटा कहाँ हो? कहाँ तक पहुँचे आप लोग? नहीं, हम अभी रास्ते में ही हैं। अच्छा बताओ, होटल कब तक पहुँचोगी? नो पापा, एक्चुअली क्या है कि मैंने हाईवे पे सैंडविच खा लिया था तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अब क्या हुआ तुम्हें बेटा?
नहीं 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 पापा, जस्ट चिल, आई एम ओके, इट्स जस्ट अ टमी बग। बेटा हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर, तुम जानती हो। एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से तुम स्टेशन पर भी छोड़ गई अकेली। नहीं पापा, हम किसी के घर पर आए हैं तो अभी हम यहीं पर हैं। सर, आई एम रॉनी। जी जी, आपकी बेटी मेरे घर पर है और सेफ है। आप बेफिक्र रहिए। जी, बाप हूं ना, इसीलिए परेशान हूं। एक तो अनजाना देश, ऊपर से मेरी बेटी अकेली है। रॉनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ठीक होते ही यहां से निकल जाएगी। She will reach you safe, sir. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. Everything will be all right. Come. Hey, young man. Come on, let's have a drink. नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरे मैंने कब कहा ठीक नहीं हो? ठीक तो ये नहीं है। Come on. क्या पियोगे? सर मैं। अरे सर सर छोड़ो। जब रात यहीं बितानी है, तो क्यों ना एक नया दोस्त बनाते हुए बीते। सर मैं रिश्ते नहीं बनाता। उन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानता हूं, बहुत साल पहले मैंने भी किसी को यही कहा था। Let's drink to that. Whiskey? लाज पटियाला। Cheers. Cheers. तुम ठीक हो? हाँ, थैंक्स सो मच। तो फिर निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे निकलोगे साहिल, इतनी रात हो गई है और अगर रास्ते में इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो, आई मीन यू कांट लीव। अभी तो पीना शुरू किया है यंग मैन, पता तो चले कि रिश्तों के अलावा लाइफ से और कितनी शिकायतें हैं। बार में और भी बोतलें हैं, कम ऑन। तुम्हारी बहुत फिक्र करता है वो, लाइक्स यू। पता नहीं। और तुम? पता नहीं। साहिल, तेरी बात में एक पॉइंट है। हर लव स्टोरी का एंड ट्रेजेडी में ही होता है, देखना। जैसे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला। सब बकवास है। सब बकवास है। धीरे धीरे, नहीं तो अपनी लव स्टोरी में ट्रेजेडी हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, आप आपकी लव स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थैंक यू। लेकिन सर। ए ए ए, सर नहीं, रॉनी। ओह यस, हर एक की किस्मत में प्यार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मी, साहिल खन्ना। मेरी जिंदगी में जब भी प्यार आया है ना, रिटर्न टिकट के साथ आया, आया और फिर तकलीफ बढ़ाकर चला गया। टायर गुजर गया, वहां बीमार होगी। अब तो अगर दूर से प्यार की बू भी आती है ना, यू नो बू, तो मैं भाग लेता हूं। पॉइंट है, बात क्या है, ये दुनिया गोल है। भागता 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 आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। पॉइंट है, बाद में दम है। भागने से क्या फायदा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ।
खड़ा हो जाता सामना करने के लिए। सॉरी भागने से कोई फायदा नहीं है, खड़े होकर सामना करना चाहिए। सामना खड़े होकर ऐसा ना। हाँ You take care of yourself, sweetheart. Okay. और देखो रास्ते में और कुछ नहीं खाना, because I packed you curd and rice. ये सब हमने बनाया है। अच्छा, तुमने चावल बनाना कब सीख लिया? हे बड़े। Thank you. कभी यहाँ से गुजरो या हमारी याद आ जाए, चले आना। You are a great company to drink with. जी सर। सर नहीं, रॉनी। Okay, रॉनी। Take care. Thank you. आप लोग बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। You too, take care. Hey, सुनो। Bye. कुछ लोग प्यार से भागने की कोशिश करते हैं। अगर प्यार आसपास हो तो उसे जाने मत देना, क्योंकि अगर वो दोबारा ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। बाय बाय बाय। बाय। स्वीट कपल ना। सेवन सर्विस सबके लिए होती है? नहीं, सिर्फ उनके लिए जो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाने की धमकी देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम ज्यादातर लोगों की बात नहीं मानती हो, लेकिन स्क्वाड्रन में अपना ख्याल रखना।
अंदर चलो। नहीं, मुझे निकलना होगा। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ के यहां तक आना पड़ा। Injection. Hurry up, fast. Yes, doctor. Hello. Sahil, मैं यहाँ हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ यार। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई यार। माजी की कंडीशन बहुत सीरियस है यार। उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा 24 घंटे में किसी भी तरह। वो जॉन मिला ही नहीं यार। और फोन भी नहीं उठा रहा। मुझसे माजी की कंडीशन देखी नहीं जा रही यार। तू कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त कर साहिब। मैं करता हूं। किधर से भी ले आ, कहीं से भी ले आ, पैसे ले आ साहिब। पैसे ले आ, वरना मैं इंतजार करता हूं। बता दिया ना उसे? क्या? किसे? Now don't give me this jazz, darling. I'm talking about Sahil. सच सच बता, तूने उसे बता दिया ना कि तू उससे प्यार करती है?
देख ज्यादा टेटे मत कर, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। Come on, यार, I'm serious. और तुझे मजाक सोच रही है? अरे वो यहाँ तक आया और तूने उसे कुछ भी नहीं बताया, वो ऐसे ही लौट गया। जब हम लंदन चले जाएंगे और वो वहां भी नहीं हुआ तो वो होगा। जरूर होगा। बार माल अच्छा था इसलिए कीमत अच्छी मिली। अगली बार इससे अच्छा माल लाओगे तो मे बी यू विल गेट समथिंग मच बेटर। और इसके बाद इस जगह और इस लड़की को बिल्कुल भूल जाओ। हे साहिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुना है तुझे पैसों की जरूरत है। तुझे कैसे मालूम? ये लड़की तेरी क्लाइंट है ना? मुझे तेरी तरह भड़वा समझाए क्या? Think about it, champ. You're going through a rough time. फोन करूंगा
क्या सोच रहा है? देख, मैं जानता हूँ तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, लड़की ले आ, पैसे ले जा। मर्जी से रो रही हो? कोई बिकी हुई चीज अपनी मर्जी से नहीं रो सकती। £40,000 में बेचा है उसने तुम्हें। भागने की कोशिश करोगी? Keep a look at the patient every 1 hour, mm-hmm. okay? जब भी anesthetic से बाहर आएं, मुझे inform करना। Okay. Hey Sahil, all is well. She is partially under anesthetic, पर Thank you. तुम उनसे मिल सकते हो। Thank you. भगवान ने हमारी सुन ली साहिल, जाओ माजी से मिल ले। ए बापा, 11 पाउंड का प्रसाद चढ़ाऊंगा। विद्या नहीं आया? नहीं है। नहीं, she's nowhere here also. पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे साथ होगी क्योंकि विद्या, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मैं कुछ काम में हूँ यहाँ। एक मिनट साहिल, सॉरी, एक्चुअली वो तुम्हें कहने वाली थी कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। Even Stevens, Mr. Sahil Khanna.
Sir, the new Indian girl. Play it. Okay, sir. So the highest bid of 8,000 pounds has come for the Indian girl. Stop the bidding. Tell all of them she's not for sale. Chahe jo daam mile, ye ladki kisi bhi kimat par nahi bikegi. Aur suno, bring the girl up. सर वो साहिल आया। साहिल कौन? वही जो इंडियन लड़की को यहाँ लाया था। बुला ले उसे। ओके सर।
थैंक यू वेरी मच इसे मुझ तक लाने के लिए। तुझे पता नहीं तूने कितना बड़ा काम किया है मेरे लिए। बोलो क्या लोगे? मुझे नेहा से मिलना है। हाँ बॉब बता रहा था कि तुम उसके साथ पिछले 4 दिन से थे। इन 4 दिनों में तुम्हें कभी उसके करीब आने का दिल नहीं किया? नहीं। गुड, वेरी गुड। अगर तुम हाँ कहते तुम्हारी लाश यहां पड़ी होती। कम सेट। और पैसे लेने आए हो? लेने भी चाहिए, हक बनता है तुम्हारा। मुझे नेहा को 1 दिन के लिए लेके जाना होगा। उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है। रो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने फादर लोगों को मरने नहीं दूंगा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ लियो, इसीलिए जाकर तैयार करो। लाइट बास्टर्ड, झूठ बोलता है तू। वापस ले जाना आया था इसको। सन ऑफ अ बिच, हार्ट अटैक हुआ था इसके बाप को। यू थिंक आई एम एन इडियट? यू लव अ बास्टर्ड, यू विल लव अ। Kill him. Hey, hey, hey. I swear to God, I'll kill her. मार दूँगा इसे। तुम्हारे सारे अरमान इसी के साथ खत्म हो जाएंगे। इसी को पीछे हट जाए। Now, now. पागल समझा क्या मुझे? तू उसे हाथ नहीं लगा सकता। प्यार करता है तू इससे। चाहे इतनी चोट पहुँचाइए, वहाँ कुछ नहीं है। मार दूँगा इसे, लेकिन यहाँ रहने नहीं दूँगा इसे। Move, move. Don't do anything. Let him go. तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। नहीं दे सका तो जिंदगी भर तेरे यहाँ नौकर बन के रहूंगा, लेकिन नेहा को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। ए, मार दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मार दूंगा मैं। Come on. तुझे क्या लगता है तू इसे यहाँ से ले जाएगा और ये बच जाएगी मुझसे? पीछे हट, पीछे हट। तुझे छोड़ दूंगा, जा। तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं भी देखता हूं उसे कब तक मुझसे दूर रखेगा। मैंने कहा रुक, पीछे हट, पीछे हट, मार दूंगा इसे, पीछे हट। वो देखा, हरी अब चाबी दे बॉब। तू चला, चल गाड़ी चला। जा बॉब, यहां से सीधे चला। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हाँ
हेलो। अरे किधर है बापू? ये पुलिस तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई है। मिस्टर मेहरा भी है साथ में। ये झमेला क्या है बापू? समझाने का वक्त नहीं है पटेल, तू बस उनको वहाँ से हटा और घर मत जाना, वो लोग वहाँ भी आ सकते हैं। एटले और कोई भी आने वाला है क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो कर पटेल, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अच्छा अच्छा सुन सुन, तू है ना कहीं और निकला, यहाँ मत आना ठीक है? क्या कहा? स्टॉप 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 द कार, स्टॉप द कार। अपने डैड को फोन करो, टेल मी यू सेफ। अपने डैड से बात करो, क्या कहूं उन्हें? ये कहूं कि साहिल ने मुझे बेच दिया था, कि ये कहूं कि उनकी बेटी की रात भर नंगी सीरीज बन रही थी चंद पैसों के लिए? ना साहिल, चंद पैसों के लिए। तुमने एक लड़की का सौदा कर दिया, और वो भी उस लड़की का जो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। तुम में और किसी और रेपिस्ट में कोई फर्क नहीं है साहिल। इनफैक्ट यू आर वर्स। आई हेट यू साहिल, आई हेट यू। क्यों किया मेरे साथ ऐसा साहिल? क्यों 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 किया मेरे साथ? मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती साहिल, तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। अरे क्यों? तुम्हारी शक्ल मैं कभी नहीं देखना चाहती। मैं तुझे क्या समझता था? उस दिन जब तू मुझसे मिला था, तेरी बातें सुनी तो ऐसा लगा कि मेरे सामने एक रोनी खड़ा है जो प्यार को समझता है, उसकी इज्जत करता है। अरे तूने तो अपने प्यार को ही बेच डाला। तेरी वजह से उस लड़की का प्यार पर से भरोसा उठ गया है। तूने तो उसके दिल में खुद के लिए तो क्या किसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। यू शुड बी किल्ड। हां मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं मर भी नहीं सकता था। मैंने अपनी मां को दर्द सहते हुए देखा है। रोनी वो रोज रात को नींद से जाकर चिल्लाया करती थी, रोती थी, अपनी मौत की भीख मांगती थी।
मैंने सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए थे, इस आस में कि माँ ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे और पैसों की जरूरत थी, दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वाले कहाँ, कोशिश नहीं की मैंने, झूठ बोला, जुआ खेला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं अपने दोस्त के भरोसे था जो पैसे लेके आने वाला था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरी माँ के पास सिर्फ 24 घंटे बाकी थे, माँ के प्यार के आगे मेरा प्यार छोटा पड़ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने यहां से कब प्यार करने लगा था। उस वक्त उन चंद लम्हों में मैं पैसा भूल गया था, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ, वो सब जो उसी माँ ने मुझे सिखाया था। लेकिन अब कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं, बस आपसे सिर्फ एक एहसान चाहिए, प्लीज इसे अपनी फैमिली के पास पहुंचा दो। मैं वादा करता हूं मैं इसके बाद अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। नेहा, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मुझे उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या कहूंगी? रिलैक्स, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। नेहा, कभी कभी हम उन्हीं को दुख पहुंचाते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, गलत करते हैं, पर उस वक्त मोमेंट ऑफ डिस्पेयर गलत सही कुछ समझ में नहीं आता, और ये बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। किसी जमाने में मैं एक बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा आदमी, पर दैट चेंज्ड, लव चेंज्ड इट। प्यार में वो ताकत है नेहा, पता नहीं क्या, लेकिन प्यार हमें सही रास्ता दिखाता है। उससे मजबूरी में बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर वो रह नहीं पाया, इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम जिससे प्यार करने लगी हो नेहा, वो अंदर की बुराई को मार चुका है, वो अंदर की बुराई को मार चुका है, और ये मुझसे पहले तुम जान गई थी। इसलिए तुम अपने पापा से बात नहीं कर पा रही हो, है ना?
अपना बना ले तू अपने ख्यालों में मुझको बसा ले तू मेरी मंजिल तू 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 दिल की बात जहां दिल से हो चलो दिलदार चलो जहां इश्क चाहत हो चलो दिलदार चलो जो है आजकल ना हो चलो दिलदार चलो चलो दिलदार चलो दिल की बात जहां दिल से हो चलो दिलदार चलो जहां इश्क चाहत हो चलो दिलदार चलो जो है आजकल ना हो चलो दिलदार चलो साले तू मेरी मंजिल तू 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 दिल की बात जहां दिल से हो चलो दिलदार चलो जहां इश्क चाहत हो चलो दिलदार चलो जो है आजकल ना हो चलो दिलदार चलो जहाँ दिल से हो चलो दिलदार चलो चलो दिलदार चलो चलो दिलदार चलो तुम लोग यहाँ से निकलो डोरी कौन पीछे का दरवाजे से निकलो डोरी तुम्हारे बिना नहीं तुम मेरी चिंता मत करो निकलो कम ऑन कम ऑन जल्दी मेरे साथ सोऊंगा हाँ मगर कानूनी तरीके से शादी करके बिकॉज यू आर स्पेशल
It's nothing too serious, Ronnie. Your wife is okay. She just needs to take care of her arms. Thank you, Doctor. Okay. बहुत प्यार करता है। If something happens to Neha, वो मर जाएगा। जिंदगी भी अजीब होती है ना। जिस दर्द से हम भागते फिरते हैं, कभी-कभी उसी दर्द में इलाज छुपा होता है। सालों पहले आपने सब कुछ छोड़ दिया था ना, फॉर मी, फॉर लव। आज मैं आपसे कह रही हूं, bring Neha back. For me. For love. इसकी कोई जरूरत नहीं। और ज्यादा जलील मत करो मुझे। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां हूं, ये सब तुम्हारी बदौलत है। तुम्हारी वजह से तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा काम मेरी जिम्मेदारी है। और वो लड़की जो भी है, वो लड़की मेरी बेटी जैसी है। कुनाल मलिक, जिसे सिर्फ धंधा करना आता है, वो आज शादी करने वाला है। Isn't that cool? किसके घर पर गोलियां चलाकर आए हो? You know, this man has made me.
ये पैसा, ये बिजनेस, ये शान शौकत, ये सब। लिसन, ये लोग नेहा को लेने आए हैं और मैं इन्हें जबान दे चुका हूं। तो वापस लीजिए डैड, नेहा सिर्फ मेरी है, शी इज माइन। कुणाल, तुम्हारी जिद, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी जिंदगी मेरी जुबान से ज्यादा नहीं हो सकते। बस इतना ही कर सकता था तू नेहा के लिए? हाँ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि तुमसे उस जबान में बात करूं जो तुम्हें समझ में आती है, फिर मुझे लगा कि एक बार समझा के देख लूं, शायद तुम समझ जाओ। देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें और धंधा चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, प्लीज उसे छोड़ दो। चाहता था, अब मुझे सिर्फ नेहा चाहिए। तुमने नेहा का नाम दोबारा लिया ना, तो तुम नेहा से क्या किसी और से भी शादी करने के लायक नहीं रहोगे। सेल्समैन को गुस्सा आ रहा है। वाओ। नहीं, हंसी आ रही है क्योंकि भड़वा शादी के सपने देख रहा है। You fool! Stop it! सुनो, नेहा मेरे ही ऑर्डर से यहां पर आई है और मेरे ही ऑर्डर से ये साहिल के साथ यहां से जाएगी, यही मेरी जबान है। I don't care! नेहा is mine! बस बहुत हो गया, मेरी खामोशी को अपनी ताकत मत समझो। तुम यहां इसीलिए जिंदा खड़े हो क्योंकि तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, वरना मैं किसी की बात सुनने का आदि नहीं हूं। अब बोल। Your guns. Drop them. You. अरे गोरे पिस्तौल नीचे रख ना। नीचे रख। अरे ये तो हिंदी भी नहीं समझता यार। Drop them. Do it. Thank you.
चला दे गोली, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ बचा नहीं है और तुझे कुछ पाने नहीं दूंगा मैं। चला दे गोली। बहन जी, एक तो अनजान देश, ऊपर से कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। हम कभी साहिल को फोन कर रहे हैं तो कभी पुलिस स्टेशन में फोन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था यहाँ पे किडनैपिंग ऐसे हो जाती है। मगर आपके बेटे ने अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद की। वाकई में he is a wonderful boy. Me also wonderful boy. सोच रहा हूँ अब लाइफ में सेटल हो ही जाऊं। क्या ख्याल है? है? मुझे ऐसा लगा था कि मेरी किडनैपिंग वाली कहानी पे कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से माजी को सुना रहे हैं अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि दोनों सचमुच किडनैप हो गए थे। रानी, चुप। ओह यस यस। अरे हाँ, मिशेल भी तो यही कह रही थी कि साहिल इज सच ए वंडरफुल बॉय।